हाथरस की गुड़िया को इंसाफ अभी मिला नहीं है। अब इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई और सुनवाई में साफ हो गया कि कोर्ट पुलिस की कार्यशैली से नाराज दिखाई दी और जिस तरीके से पीड़ित पक्ष की वकील ने जो दलीलें कोर्ट में रखी और उन्होंने बाहर आकर उन बातों का जिक्र भी किया कि किस तरीके से गुड़िया के शव को रात में जला दिया गया, पुलिस प्रशासन ने कोई हवाला नहीं दिया कि आखिर ऐसा क्यों किया, जवाब किसी ने दिया नहीं। वो चुप्पी उस वक्त जब सवाल पूछा गया था क्योंकि गुड़िया को इंसाफ दिलाने का बीड़ा रामनारायण ने भी उठाया है। एपी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर एपी सिंह आरोपी पक्ष के वकील हैं, हालांकि अभी इनकी बारी आई नहीं है अपना पक्ष रखने की, लेकिन एपी सिंह साहब स्वागत भी आपका। लेकिन आज की कार्यवाही को आप किस तरीके से देखते हैं, पुलिस की कार्यशैली पर तब भी सवाल थे और आज कोर्ट के अंदर भी सवाल ही उठे? नहीं, देखिए पुलिस की कार्यशैली जो भी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनकी है तो वो जवाब देंगे, वो जवाब। लेकिन जो सुरक्षा की बात थी, पीड़िता के परिवार को 60 पुलिस वालों के एस्कॉर्ट के द्वारा हाथरस से वहां ले जाया गया, बहुत अच्छी बात है, सुरक्षित होना चाहिए। अगर उन्हें भयभीत है, भय लग रहा है तो सुरक्षा दी जा रही, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पूर्ण सुरक्षा दी रही। उन्होंने कहा रात में हमें नहीं जाना है, दिन में जाना, तो सारा स्क्वाड दिन में लेके गया, गेस्ट हाउस में ठहराया, उसके बाद हाईकोर्ट लेके गए वहां और 2 घंटे तक हाईकोर्ट ने सुनवाई की, बहुत सीरियस सुनवाई की। और सबसे बड़ी बात, ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश की लखनऊ बेंच ने सो मोटो लिया, सो मोटो की सुनवाई कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने खुद लगा, उन्हें खुद ऐसा एहसास हुआ इसलिए उसकी सुनवाई कर रहे हैं, तो अच्छी बात थी। आईडीजे लॉ एंड ऑर्डर भी वहां उपस्थित थे, तो दोनों मतलब वो भी पक्ष, सरकार का पक्ष उपस्थित था, विनोद शाही जी भी थे पेश कर रहे, उधर से सरकार की तरफ से थे और जो पीड़िता है उसकी तरफ से भी थे। और सबसे बड़ी बात इसमें आप देखिए, इस तरह से साफ जांच इसलिए हो रही है कि पीड़िता के पांचों परिवार वाले, 2 भाई, माता पिता और भाभी, पांचों परिवार वालों को कोर्ट ने खुद अपने सामने बुलाया, खुद सुना। केवल सुनी सुनाई बात नहीं कि कोई एडीएफ बयान ले ले, कोई सेशन जज बयान ले ले, उनके स्टेटमेंट ले ले, मजिस्ट्रेट ले ले, नहीं, हाई कोर्ट ने खुद उन्हें सुना। ऐसा कम केसों में होता है, बहुत कम केसों में ऐसा अवसर आता है, लेकिन इस केस में वो खुद सुन रहे हैं और खुद अपने आंखों कानों से सुन रहे हैं इस बात को। और दूसरी बात, सीबीआई इंक्वायरी अब हो रही है, सीबीआई जांच से बड़ी कोई जांच एजेंसी हमारी नहीं है, उसमें सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जब कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, केस को ट्रांसफर करने की बात, तो ट्रांसफर करने की बात जब उसी अदालत ने सो मोटो नोटिस किया और उसी पर सुनवाई हो रही है और वही हम कहें हम आपके यहां से न्याय की उम्मीद नहीं रख रहे, हम आपसे न्याय नहीं करवा सकते, हमें आपसे न्याय की नहीं उम्मीद है, दुख होता है, फिर दुखद बात है। न्याय मिलेगा, न्याय वहां भी होना चाहिए, दोषी जो है वो बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, ये अवधारणा हमारे न्यायपालिका की है। तो उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट भी न्यायपालिका सबसे पुरानी हाईकोर्ट रही है। और दूसरी, देखा जी, अब बात आती है केस ट्रांसफर की, केस ट्रांसफर किया जाए तो केस ट्रांसफर की जो स्थिति है उसमें जैसे 40 गवाहों से पूछताछ की हाथरस जो गाँव के हैं, उस जो गांव के 40 गवाहों को कहां भेजा जाएगा, उससे संबंधित पुलिस अधिकारी कैसे ले जाए जाएंगे, ट्रायल केवल फाइलों का ट्रायल नहीं होता है कि फाइलों का गट्ठर कहीं से कहीं पहुंचा दिया गया, ऐसा नहीं है, ट्रायल के लिए पूरा सिस्टम जाता है, सब कुछ वहां पहुंचना पड़ेगा, उससे व्यवस्था फैलेगी। और ये भी बात आएगी कि क्या हमें विश्वास नहीं है, क्या इसमें कोई नहीं, एपी सिंह साहब, ये तो चलता रहेगा, लेकिन आप भी इस सुनवाई को बड़ी गौर से देख रहे होंगे और क्या आपकी तरफ से स्टैंड रहेगा, आप आरोपी पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें पेश करेंगे और ऐसे में क्या आपकी तरफ से भी कोई एक्शन, कोई याचिका या कोई इस तरह की बात हो सकता है आने वाले दिनों में, जब सुनवाई होगी 2 नवंबर को सुनवाई होनी है, अगली सुनवाई आपको भी बुलाया जा सकता है? अभी उस पर जो अंतिम संस्कार रात में कर दिया गया था जिसमें सबको लगा कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, उस पर सो मोटो लिया, उस पर नोटिस किया, केस की जांच अब सीबीआई को टेक ओवर होकर कर लिया, सीबीआई ने अब उस पर हो रही है, और अंतिम संस्कार को लेके था, मानवाधिकारों को हनन को लेके था, और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने पूछ लिया, परिवार वालों से पूछ लिया, पांचों पीड़िता के जो परिवार वाले थे उनसे पूछ लिया, अब अगली 2 नवंबर को पीड़िता के परिवार वालों को नहीं बुलाया गया है,
अब नहीं उन्हें किसी तरह से बुलाया गया, अब लॉ एंड ऑर्डर एडीजे रहेंगे और ये सब लोग रहेंगे। रिप्लाई फाइल किया, रिप्लाई देखे कोर्ट, उन सब पे तो को प्रोसीड करें, क्योंकि ये केस स्वयं कोर्ट का है। लोग सब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कोई पार्टी पहुंची वहां, नो वो अपने सो मोटो लिया, अपने इनहेरेंट पावर का प्रयोग करते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपने इनहेरेंट पावर का करते हुए उन्हें लगा आपकी मीडिया रिपोर्टिंग से, जो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मजबूत स्तंभ है, आपसे अखबारों से लगा उन्हें कि उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, उन्होंने सो मोटो लिया और सो मोटो के आधार पर ही सब पेश हुए, सब प्रोसीडिंग हुई और उसी पर पांचों लोगों से परिवार के पीड़िता के मुख्य परिवार के उनसे बात हुई, उनसे जानकारी ली और शायद जानकारी से वो कोर्ट संतुष्ट हो गई, संतुष्ट नहीं होती तो 5 तारीख 2 नवंबर के लिए भी कहा जाता आप लाए। बिल्कुल आपको यहाँ मौजूद रहना पड़ेगा ये कहा जाता, लेकिन शायद इसमें दो पक्ष बनते हुए दिख रहे, एक तो पीड़ित पक्ष बनाम सरकार और दूसरा पीड़ित पक्ष बनाम आरोपी पक्ष, जिसके वकील आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।